दोस्तों Xiaomi 22nd ऑफ जून को इंडियन मार्केट में अपना एक न्यू स्मार्टफोन Mi 11 Lite लॉन्च करने वाली है, जो कि बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन है कि 5G स्मार्टफोन होने वाला है फिर 4G स्मार्टफोन होने वाला है, तो इस वीडियो में आपको पता चलेगा। तो इस वीडियो में आपसे बात करने जा रहा हूँ Mi 11 Lite के स्पेसिफिकेशन के बारे में, इंडियन मार्केट में इसकी क्या प्राइसिंग होगी, आपको ये स्मार्टफोन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, आपको इस स्मार्टफोन के लिए वेट भी करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, और किस तरीके का स्मार्टफोन Xiaomi लॉन्च कराया है। मेरे समझ से परे है, मतलब मैं आपको बताऊंगा कि क्यों पर यह है, क्या मैं सोच रहा हूँ इस स्मार्टफोन के बारे में, और आप भी मेरी बातों से एक राजी होंगे, तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहिएगा। सो हाय गाइस, मैं सौरभ, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम गाइस लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। सो दोस्तों चलिए सबसे पहले मैं आपसे Mi 11 Lite के स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेता हूँ। हाँ मुझे पता है आपको स्पेक्स पता होगा, बट सो कॉल्ड टेक चैनल है तो स्पेसिफिकेशन बताना, जल्दी जल्दी मैं स्पेक्स बताकर यहाँ से निकलता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों आपको सामने की तरफ 6.55 इंच का एक फुल एचडी प्लस वाला एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा एंड 240 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट देखने को मिल जाएगा, जो कि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 के प्रोटेक्शन के साथ में आएगा एंड 800 निट्स का यहाँ पे आपको पीक ब्राइटनेस भी देखने को मिल जाएगा। सामने की तरफ आपको लेफ्ट साइड में पंचोली स्टाइलिंग वाला डिस्प्ले दिया जाएगा, जहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। बैक की तरफ बात करें तो बैक की तरफ आपको ट्रिपल कैमरा ही देखने को मिलेंगे, जो कि एक अच्छी बात है, जहां पे यूज करा गया प्राइमरी कैमरा वो 64 मेगापिक्सल का, सेकेंडरी कैमरा 8 मेगापिक्सल का, थर्ड कैमरा 5 मेगापिक्सल का है, जो कि ऑब्वियस है कि माइक्रोशॉट्स क्लिक करेगा। यहाँ पे 4250 एमएएच की बैटरी दी गई है, जो कि टाइप सी पोर्ट के साथ में आएगा, यहाँ आपको 33 वाट का फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगा। अब हम 4250 एमएएच की बैटरी दी गई है तो इसका बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि स्मार्टफोन जो है स्लिम और लाइट है, यहाँ पे और फोन के मुकाबले Xiaomi को जो और फोन होते हैं काफी ज्यादा हैवी वेट होते हैं, थोड़े मोटे होते हैं, बट ये स्मार्टफोन स्लिम और लाइट होने वाला है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा कम एमएएच का बैटरी यूज करा गया है। यहाँ पे हम प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पे यूज करा गया क्वालकॉम की तरफ से, क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 732G वाला चिपसेट, जहाँ पे LPDDR4X वाला रैम टाइप एंड UFS 2.2 वाला स्टोरेज देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे एमोलेड डिस्प्ले तो यूज करा गया है, बट कॉस्ट कटिंग करने के लिए यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर ही देखने को मिलता है, यहाँ पे वो कोई भी 3.5 जाकर देखने को नहीं मिलेगा, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे कोई भी 3.5 जाकर देखने को नहीं मिलता है। जब ये स्मार्टफोन ग्लोबली लॉन्च हुआ था तब वहाँ पे आपको बॉक्स में जो है टाइप सी टू 3.5 जाकर देखने को मिला था। हो सकता है कि इंडियन मार्केट में जब ये स्मार्टफोन लॉन्च होती है, मतलब 22 को जब लॉन्च होगी, तो आपको बॉक्स के अंदर टाइप सी टू 3.5 जाक कनेक्टर भी देखने को मिलेगा। इस फोन में आपको डुअल स्पीकर देखने को मिल जाएगा, ये स्मार्टफोन जो है MIUI 12 पर रन करेगा, जो कि एंड्रॉइड 11 पर बेस्ड होगा। जैसा मैंने आपको बताया 22 जून को दोपहर 12 बजे इसका लॉन्च इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है। अब दोस्तों हम इसके ग्लोबल प्राइसिंग की बात करें तो जो इसका बेस वेरिएंट का प्राइसिंग था, जो कि आया था 6+64GB वेरिएंट के साथ में, उसका ग्लोबली प्राइस रखा गया था अप्रॉक्स 25,000 रुपये, 25,000 के प्राइस सेगमेंट में ग्लोबल मार्केट में लॉन्च हुआ था। अब दोस्तों आप एक बात थोड़ा ध्यान देखिएगा कि जब भी कोई स्मार्टफोन ग्लोबली लॉन्च होता है और इंडियन मार्केट में आता है, तो उसकी प्राइसिंग जो है काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, मतलब 3-4-5 हज़ार रुपये कम ही होती है, बहुत ज़्यादा कम होती है, 5 हज़ार रुपये कम होती है। अब देखिए ग्लोबली ये स्मार्टफोन लॉन्च किया गया 25,000 के प्राइस सेगमेंट पे, और अगर इंडियन मार्केट में ये 20,000 के प्राइस सेगमेंट में भी आता है, 20,000 के प्राइस सेगमेंट में भी आता है, तभी क्या एक बेटर डील होने वाला है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 20,000 के प्राइस सेगमेंट में या फिर 20,000 से कम के प्राइस सेगमेंट में 19,000 रुपये में हमें Redmi Note 10 Pro Max देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है और सेम चिपसेट उसमें भी देखने को मिलता है। वहाँ पे आपको एक एडवांटेज मिल जाता है, क्वाड कैमरा देखने को मिलता है। हाँ मैं मानता हूँ 2 मेगापिक्सल सिर्फ कहने के लिए होते हैं तो ना लगा कंपनी तो अच्छी बात है, बट वहाँ पे आपको एक कैमरा का एडवांटेज मिल जाएगा। जो लोग कहते हैं कि मुझे 4 कैमरा चाहिए तो उनको वो एडवांटेज देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको Mi 11 Lite में 3.5 mm जैक देखने को नहीं मिलता है, Note 10 Pro Max में आपको 3.5 mm जैक देखने को मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, वहाँ पे आपको बड़ी डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। तो मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि 20,000 के प्राइस सेगमेंट में लॉन्च करेगी तो Redmi Note 10 Pro Max से कम्पीट कर जाएगी। चलिए 20 के प्राइस सेगमेंट में नहीं लॉन्च करें, 10,000 कम कर दे सीधे, क्योंकि देखिए वो सब भरा पड़ा है। फिर वहाँ पे 15,000 के प्राइस सेगमेंट पर लॉन्च करती है तो वहाँ पे 16,000 में हमें Redmi Note 10 Pro देखने को मिलता है, जिसका कि वेरिएंट है 6+64। वहाँ पे अभी आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है, 64 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है, वहाँ पे क्वाड कैमरा देखने को मिल जाएंगे, वहाँ पे भी आपको 3.5 mm जैक देखने को मिल जाएंगे। अब 15,000 से कम के प्राइस सेगमेंट पर तो इसे नहीं लॉन्च करेगी कंपनी, और 15,000 से प्राइस सेगमेंट के कम में लॉन्च कर भी देती है तो वहाँ पे हमें Redmi Note 10s देखने को मिलता है, तो Redmi Note 10s तो ऐसे ही किल हो जाएगा। 6+64 का उसका प्राइसिंग है 15,000 रुपये, जहाँ पे आपको 60 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश देखने को मिलता है एंड वहाँ पे आपको G95 देखने को मिलता है। बट स्टिल अगर 15,000 से कम के प्राइस सेगमेंट में रखती है तो वहाँ पे Redmi Note 10 है, इसका Redmi Note 10s है, तो ये स्मार्टफोन लाइक कहाँ करेगा। और 20,000 से ऊपर प्राइसिंग आती है तो ये स्मार्टफोन बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस हो जाएगा, क्योंकि स्नैपड्रैगन 732G 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट इस स्मार्टफोन में मुझे ऐसा कोई खास बात तो लग नहीं रहा है। हाँ 5G वेरिएंट जो आएगा उसमें स्नैपड्रैगन 780G है जहाँ तक मुझे पता है,
तो वहाँ पे मतलब 4G वेरियंट में कुछ खास लग नहीं रहा, और 5G वेरियंट इंडियन मार्केट में फिलहाल लॉन्च नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर 5G वेरियंट लॉन्च होता तो कंपनी गले फाड़ फाड़ के बोलती कि हम स्मार्टफोन लेकर आ रहे हैं 5G वेरियंट के साथ में, बट ऐसा कुछ नहीं है। तो ये स्मार्टफोन का प्राइसिंग कैसे कंपनी डिसाइड करेगी, मैं आपको नहीं बोलूँगा स्मार्टफोन के लिए वेट करने के लिए। अगर 15,000 रखती है तब भी मैं आपको बोलूँगा रेडमी नोट 10 प्रो की तरफ जाने, 20,000 रखती है तो प्रो मैक्स हमें मिल जाएगा, और उससे कम नहीं रख सकती, और उससे ज़्यादा रखेगी तो डिजर्व भी नहीं करता है 20,000 ज़्यादा प्राइसिंग। बिल्कुल इस स्मार्टफोन के लिए वेट करने का कोई सेंस नहीं बनता है। कुछ स्मार्टफोन में ऐसे कुछ खास बात नहीं है जो कि स्मार्टफोन को अलग बनाता है। हाँ, एक सिर्फ खास बात है कि ये स्मार्टफोन जो है लाइट एंड स्लिम है, और पूरा का पूरा मार्केटिंग इसे पे किया जा रहा है कि हम लेकर आ रहे हैं लाइट एंड स्लिम फ़ोन, बहुत खूबसूरत दिखने वाला फ़ोन। अरे सिर्फ लाइट एंड स्लिम फ़ोन के नाम पर हम इतना अच्छा सा डील थोड़ी छोड़ सकते हैं, नोट 10 प्रो है, प्रो मैक्स है। तो बस यह जानकारी जो आपको देना चाह रहा था। तो बस दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक तो कीजिएगा कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों अगर कोई भी क्वेश्चन है, फिर ओपिनियन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ डालिए। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे किसी से एक और नए वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। बाय बाय।